स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। विद्या, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ विद्या? बेटा तो ठीक तो है ना? विद्या, बेटा वो कुछ नहीं होगा। आपके पापा है ना आपके पास? चलो। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत भी मत करना। साथ निभाना साथिया, कर देंगे, तुम्हें तुम्हारी मम्मा जल्द ही मिल जाएगी। अच्छी मैं। तुमने कान्हा जी से मन लगा के प्रार्थना की है ना? बस फिर चिंता मत करो, पंडित जी कहते हैं पूरे मन से की हुई प्रार्थना कान्हा जी सुनते हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें पंडित जी से मिलवाती हूँ। तुम्हारी मम्मा से मिलवाने में शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। तुम अपनी मम्मा से अलग कैसे हो गई? मेरे पापा की वजह से, उन्होंने झूठ बोलकर मुझे मेरी मम्मा से अलग कर दिया। ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे पापा की कोई मजबूरी रही होगी। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारी मम्मा से दूर ले जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरे पास तो कोई नहीं, ना मम्मा ना पापा। तुम घबरा मत, मेरी मम्मा सब बच्चों को खूब प्यार करती है, तो मैं भी करेगी। पंडित जी, क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी विद्या से मिलवा दीजिए। मैं पंडित मंत्री प्रसाद बोल रहा हूँ। आपकी बेटी विद्या यहाँ कान्हा जी के मंदिर में आई हुई है, आप जल्दी आ जाइए। पंडित जी, आप उसे कहीं मत जाने दीजिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। जी
तुमने कहाँ ढूंढा? मुझे तो कान्हा जी ने ढूंढा है। मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की थी कान्हा जी से कि मुझे मेरी विद्या से मिलवा दीजिए। तू ठीक तो है ना? हाँ मामा, गौरी दीदी ने मेरा बहुत ख्याल रखा और इन्होंने मेरे आंसू भी पोंछे। बेटा इधर आओ मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि तुमने मेरी बेटी को संभाला। विद्या, बेटा तुम कहाँ थे? घर से कहाँ चले गए थे? आपको पता है आपके पापा कितने परेशान थे? आपको कहाँ कहाँ ढूंढा उन्होंने? आपको अगर कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होता पापा, क्योंकि गौरी दीदी मेरे साथ थी। तुम्हारा नाम गौरी। थैंक यू सो मच बेटा। क्या है कि ये काफी छोटी है ना तो? नहीं अंकल, आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? आपकी बेटी की मदद तो कान्हा जी ने की। कान्हा जी हमेशा इसके साथ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत से काम बाकी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। Oh, oh, oh.
चल विद्या। गोपी मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रही? मेरी बेटी है तो मेरे साथ ही जाएगी। अहम जी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? विद्या शुरू से ही मेरे साथ रही है, ना मैं इसके बिना रह सकती हूँ और ना ये मेरे बिना रह सकती है। इसलिए ये बात तो स्पष्ट है कि विद्या रहेगी तो मेरे साथ ही, और वैसे भी आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं संभाल सकता मैं उसे? मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे मेरी बेटी से कैसे दूर करती हो। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? विद्या मेरे बिना नहीं रह पाएगी, इसे मेरी आदत है। हाँ वो इसलिए क्योंकि ये नहीं जानती कि तुम्हारे अलावा भी इसका कोई है, इसके पापा है, इसका परिवार है। और अब अभी अपने परिवार के साथ रहेगी, अपने पापा के साथ रहेगी। चलो विद्या। परमेश्वर बड़े पापा, अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ये कैसे तय होगा कि कौन जीता और कौन हारा? अरे हार जीत छोड़, मैं ये बोलता हूँ अगर इनका झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो विद्या हमारे घर कैसे आएगी? लेकिन हम करें क्या बॉडी? देखो तुमने पहले ही विद्या को मुझसे दूर करके और इतना बड़ा सच छुपा के बहुत बड़ी गलती की है, इसकी तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी, समझ गए तुम? अहम जी विद्या सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, पिछले 8 सालों से यही मेरा पूरा परिवार है, यही मेरी कायनात है। मैं सुबह आंखें खोल के सबसे पहले उसका चेहरा देखती हूँ और वो मेरा, मैं इसके बिना नहीं रह सकती है जी। और आज अचानक से आप मुझे विद्या से ऐसे कैसे अलग कर सकते हैं? भाई आप कुछ तो समझने की कोशिश करिए। चिकन प्लीज तू बीच में कुछ नहीं बोलेगा बस। भाभी भाई तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, लेकिन आप तो समझिए, तो अपनी जिद पर मत अड़िए। देवर जी जिद मैं नहीं कर रही, जिद आपके भाई कर रहे हैं। जिद मैं नहीं तुम कर रही हो। अहम जी जिद आप कर रहे हैं। नहीं तुम कर रही हो। ना बड़े पापा किसी की बात मान रहे, ना बड़ी मम्मी, मम्मी होती तो शायद से वो संभाल लेते, अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा है, मैं विद्या की माँ और एक माँ से उसकी बच्ची को आप अलग नहीं कर सकते। माँ गोपी तुम कैसे स्वार्थी माँ हो, जिसने इस बेचारी बच्ची को अपने पिता और अपने परिवार से दूर रखा। तुम्हें विद्या की जरा से भी फिक्र होती ना तो उसे हमारे परिवार से दूर ना करती। विद्या क्या हुआ बेटा? क्या हुआ विद्या? ठीक तो है ना? विद्या बेटा कुछ नहीं होगा, आपके पापा है ना आपके पास, चलो। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत में मत कर। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।